वालेकुम जी। मैं आज इफ्तारी से पहले आई हूँ। मैंने कहा चले अम्मी की तरफ जाऊँ, क्योंकि 2 दिन पहले हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी की वो डिजर्ट बनाई थी, बहुत मजे की बनी थी। मेरे अबू को बहुत पसंद आई, तो अबू ने कहा कि बताओ कैसे बनती है। या तो मुझे निशा ने, मेरी जो भाभी है, उन्होंने कहा कि आप आए और मुझे बताएं कि कैसे बनती है। तो आज मैं आपको डिटेल में बताने लगी हूँ कि हाउ टू मेक दैट स्ट्रॉबेरी डिजर्ट। सो लेट्स गेट गोइंग। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, वो है ये प्लेन केक डॉन का लिया मैंने, व्हिप क्रीम ली है, ये देखें मैं आपको बताती हूँ वो व्हिप क्रीम कौन सी है, ये वाली। ओहो मेरा जूता। ये मैंने व्हिप क्रीम ली है और ये 3 पैकेट लिए मैंने, एंड कंडेंस मिल्क, और क्या है, और मैंने ये देखें ये छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी के चंक्स काटे, ये हम लोगों ने लेनी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसका तरीका बस। अच्छा जी, सबसे पहले तो इस ये थोड़े मिल्क में इसको अच्छी तरह डिप करके ताकि सॉफ्ट हो जाए, हमने एक डिश में लगा देंगे लाइक दिस, ऐसे ठीक है। सॉफ्टली रहती है ना, तो आशीष का खाना बहुत यमी बनेगा, बहुत यमी। ये देखें ये और आपने दोनों साइड टिप कर दी। हाँ जी, पूरी टिप की है ये इस तरह। वेरी गुड। अभी उसके साइड ही है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखें जी, ये मैंने दूध में उसको डिप करके सॉफ्ट करके इसको इस तरह डिश में कर दिया है। अब इसको मैं साइड पे रखूंगी। थैंक यू, वेलकम। अब ये जो व्हिप क्रीम है इसको हम करेंगे ब्लेंड पहले। व्हिप क्रीम को हमेशा ब्लेंड करना होता है बीटर से, और उसके बाद जब अगर आपने शुगर ऐड करनी है तो फिर ब्लेंड करते हैं, ठीक है। सो मैं ब्लेंड करूंगी ईट। अब यहाँ करूँ, अब इसमें मैं 3 टेबल स्पून, ठीक है, 2 3, क्योंकि इसमें हम वो नहीं ऐड कर रहे ना, हम शुगर नहीं ऐड, वो इसलिए क्योंकि ये कंडेंस मिल्क जो है वो ये स्वीटेंड है, तो हम 4 भी ऐड कर सकते हैं ऐसे, डिपेंड करते हैं आपको कितना मीठा पसंद है। आपको कितना मीठा पसंद है? मॉडरेट। ठीक है, ये हो गया नाइस। इसको भी मैं, मेरा ख्याल है मैं बीट कर रही हूँ, इसको भी हम बीट करते हैं। अच्छी तरह कंडेंस मिल्क हो गया मिक्स। अब इसमें मैं डालूंगी स्ट्रॉबेरी, ये छोटे छोटे हमने इस तरह चंक्स डाले, ये जितनी ज्यादा डालेंगे ना उतना मजा आएगा। अच्छा जी, यहाँ रखते हैं पास में, ये हमने डाल दिए, इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, आई थिंक काफ़ी है ना। मैं ऊपर से भी इसको डालूंगी, इतने ही यमी बनती है भैया। वाओ, आज आप खाएंगी ना रात में, फिर मुझे आप बताइएगा, ठीक है। ये हमारा मिक्सचर हो गया जी तैयार। अब बाबू पकड़े, अब आप इधर ले आए, अब हम इसको डालेंगे, ये देखें निशा। ओके, वाओ, ये यम्मी मार्के हैं, और आप अरसलान चाची को भी देखें माशाल्लाह। नहीं यार, ये नया वाला ये ले जी,
ये देखें, इट्स रेडी। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ना और वो कर लेती हूँ, थोड़ी सी और कर लेती हूँ। अब आज ये सही बना है क्योंकि क्रीम जितनी ज्यादा होती है इतना मजा आता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो अब मैं इसके ऊपर छोटे छोटे ना ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ, ठीक है। अम्मा की जन ना छुरियाँ बहुत तेज है, ये बड़ी मजे की छुरी है। हाँ, ये मेरे हाथ पे चली, ये नहीं मैं किसी को दे, लेकिन ये थोड़ी शार्प है, ये फरा हाला की है, लेकिन गई फरा हाला कहती एक छुरी दे दो छुरी, मैं ये ना मैं कभी भी दू, मैं नहीं ला दूंगी आपको, वो हर किसी हर किसी हर किसी के घर की ना छुरियाँ अपनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही, मुझे बड़ा मजा आता है ये, मुझे जरा ये मुझे अच्छा लगता है ना, कलर आ जाते हैं। यस, ये देखें वाइब्रेंट कलर अच्छा लग रहा है। तो मैंने हालांकि अब छुरियाँ लेनी है, अब इसको आप 3 to 3 hours के लिए फ्रीजर में रख देना, फिर जब ये चिल्ड होगी ना गैस, फिर आपने खाना है, और फिर आपने मुझे फोन करके खाना है। अच्छा, ये मैंने आज अपनी भाभी के लिए, जो माशाल्लाह हमारी जान है, उनके लिए बनाई है। उन्होंने कहा है कि आप सिखाएं, अब ये देखिए। थैंक यू, सो दिस इज रेडी।